बात कर रहे हैं पांच उन इंपॉर्टेंट लैटिन मैक्सिम्स के या वर्ड्स के बारे में जो कि कोर्ट लाइफ में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ जो है डेली लाइफ में भी इनका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ये पांच लैटिन मैक्सिम है प्ली ऑफ अलिवी, एक्स फेसाय, वाइसे वर्सा, अल्ट्रा वायरस एंड इंट्रा वायरस। इन वर्ड्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, चलिए समझते हैं इन वर्ड्स के बारे में। फर्स्ट प्ली ऑफ अलिवी, प्ली ऑफ अलिवी से पहले अलिवी का मतलब समझना जरूरी है। अलिबाय भी इसको बोलते हैं। अलिबाय का बेसिकली जो मतलब है वो ये है कि मीन्स एल्सवेयर और समवेयर एल्स, मीन्स और हिंदी में अगर कहें तो अन्यत्र उपस्थिति, और प्ली ऑफ अलिबाय को अगर कहें तो अन्यत्र उपस्थिति के दलील। तो जो अलिवी है मीन्स इसका मतलब है कि मीन्स जब भी प्ली ऑफ अलिवी को अगर हम समझें तो मीन्स इसका मतलब ये है कि जब एक्यूज किसी क्रिमिनल केस में प्ली या याचना करता है कि जिस वक्त या जगह ये वारदात हुई थी वो उस जगह उस वक्त मौजूद ही नहीं था। सेक्शन 11 इंडियन एविडेंस एक्ट जो है प्ली ऑफ अलिवी की बात करता है, तो वहां से भी आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। प्ली ऑफ अलिवी जो है अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम किसी एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और इसको अगर एग्जाम्पल के अंदर समझें कि मीन्स प्ली ऑफ अलिवी को एग्जाम्पल के अंदर समझें, तो प्ली ऑफ अलिवी जैसे कि मान लीजिए ए का मर्डर दिल्ली में सुबह 9 बजे हुआ, बी उस वक्त चेन्नई में था, और बी के खिलाफ ये एलिगेशन है कि बी ने ए का मर्डर किया है या बी जो है वो ए के मर्डर में भी शामिल था। तो अगर बी डॉक्यूमेंट या सीसीटीवी या अदर रिलेवेंट प्रूफ से, डॉक्यूमेंट से ये प्रूव कर देता है कि वो दिल्ली में था ही नहीं जिस वक्त ये मर्डर या ये जो वारदात हुई थी उस समय वो दिल्ली में था ही नहीं, तो इस केस में जो भी एलिगेशन जो है बी के खिलाफ लगाए गए थे वो बेसिकली आपके डिस्प्रूव हो जाएंगे और जो है बी को एक्विटल मिल जाएगा, बी को डिस्चार्ज भी किया सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं सेंटेंस में इसको प्ली ऑफ अलिवी को किस तरह से बोला जा सकता है। फर्स्ट है आपका द प्ली ऑफ अलिवी टेकन बाय एन अक्यूज इज एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट। सेकेंड, प्ली ऑफ अलिवी had been taken not only during the cross-examination of the eyewitness but also at the time of recording of the statement under section 313 of code of criminal procedure. Second है आपका, second आपका जो Latin maxim या word जो हम discuss कर रहे हैं वो है ex facie. Ex facie को हिंदी में बोल सकते हैं पूर्व दृष्टया, पर इसका वैसे मतलब होता है इंग्लिश में on the face of it या apparent on the face. On the face of it और apparent on the face. ये बेसिकली जो है डॉक्यूमेंट के कंटेक्स्ट में इस वर्ड का यूज किया जाता है। इसको भी एग्जांपल, थ्री एग्जांपल के थ्रू समझते हैं सेंटेंस के अंदर। फर्स्ट, द कॉन्ट्रैक्ट वाज एक्स फेसाय सेटिस्फैक्टरी। सेकंड, द कंप्लेंट फाइल्ड अगेंस्ट मी इज एक्स फेसाय बोगस बेसलेस एंड फाइल्ड विद द अल्टीरियर मोटिव। थर्ड, द एमएलए कैंडिडेट फर्दर एक्स फेसाय डिक्लेयर्ड फॉल्स इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज इनकम his spouse's income as well as his first dependent's income. तो ये था ex facie. Next, third है vice versa. Vice versa जो है उसको हम कह सकते हैं simple language में the opposite of what has been said. Means जो भी कहा गया है उसके विपरीत। इसको चार example के थ्रू समझते हैं। बहुत ही ज्यादा ये word जो है commonly basically आज normal languages के अंदर, newspaper के अंदर, articles के अंदर और डेली कॉम्पिटिशन अंदर यूज किया जाता है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझना बहुत जरूरी है, सेंटेंस में समझते हैं। फर्स्ट, ही डज नॉट ट्रस्ट हर एंड वाइस वर्सा, मींस शी डज नॉट ट्रस्ट हिम। सेकंड, शी डिसलाइक्स मी एंड वाइस वर्सा, मींस आई डिसलाइक हर। थर्ड, पीपल कैन परफॉर्म सम टास्क बेटर देन मशीन कैन एंड वाइस वर्सा, मींस मशीन कैन परफॉर्म सम टास्क बेटर देन पीपल कैन। फोर्थ, शुड आई कम टू योर हाउस और वाइस वर्सा, मीन्स यू विल कम टू माई हाउस। फोर्थ जो है दोस्तों वो है अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा का बेसिकली जो मतलब होता है वो है बियॉन्ड, और वायरस मीन्स पावर, तो अल्ट्रा वायरस का मतलब हुआ बियॉन्ड पावर, मीन्स शक्ति के परे। इसको लीगल टर्म्स के अंदर बोलते हैं एक्टिंग और डन बियॉन्ड वंस लीगल पावर और अथॉरिटी। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं थ्री सेंटेंस के अंदर। फर्स्ट, द एप्लीकेशन हैज रिफ्यूज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग अल्ट्रा वायरस। सेकंड, व्हेन द लॉ ऑफ मैन कॉन्फ्लिक्ट्स विद द लॉ ऑफ गॉड द लॉ ऑफ मैन इज अल्ट्रा वायरस। थर्ड,
इफ द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू इम्पावर फ्री एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम इट कांट बी हेल्प टू आर्बिट्ररी बिकॉज इट इज नॉट अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये था अल्ट्रा वायरस. नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ इंट्रा वायरस. इंट्रा वायरस मीन्स इंट्रा मीन्स विद इन और वायरस जैसे हमने ऊपर समझा मीन्स पावर. तो इंट्रा वायरस हो गया विद इन द लीगल पावर और अथॉरिटी ऑफ पर्सन मीन्स शक्ति के अंतर्गत. हिंदी में इसको शक्ति के अंतर्गत बोल सकते हैं. तो इसको सेंटेंस के थ्रू समझते हैं हम. थ्री टू सेंटेंस के अंदर समझते हैं. फर्स्ट द ऑनरेबल कोर्ट हेल्ड दैट ऑफिशियल्स हैड एक्सरसाइज देयर पावर इंट्रा वायरस. सेकेंड इफ द स्टेच्यू इज इंट्रा वायरस देन ए कॉम्पिटेंट ऑर्डर अंडर इट बाय एन अथॉरिटी एक्टिंग एज ए क्वासी ज्यूडिशियल अथॉरिटी इज इक्वल टू इंट्रा वायरस. तो ये दोस्तों था पांच जो लैटिन मैक्सिम्स हैं उनके बारे में हमने समझा. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लैटिन मैक्सिम है. इनका डेली यूज जो है आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए इसलिए हमने सेंटेंस के थ्रू समझा. नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग जो है लैटिन मैक्सिम के साथ मिलते हैं. तब के लिए जय हिंद जय भारत एंड प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.